हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज सुभाष। तो आज मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट प्लान बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने साइड के जो हैंडल्स हैं, जो साइड फैट होता है, इसे आप कैसे कम करें इसके बारे में जान सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपना बेली फैट या साइड फैट या ओवरऑल बॉडी फैट कम करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसिप्लिन, आप क्या खाते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मीठा नहीं खाना है, आपको यू नो लाइक शुगर जितना ज़्यादा ही अपने रूटीन से बाहर कर सकते हो, आपने जितना अपने आपको वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, प्रॉपर डाइट पे, प्रोटीन डाइट पे अगर आप शिफ्ट हो सकते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप काफ़ी रिस्ट्रिक्ट डाइट अपनी बनाएं और अपने डेली रूटीन को एंजॉय ना करें, बट हाँ कहीं ना कहीं आप इसे मेनटेन जरूर करें। आप ट्राई करें कि ऑयली फूड ना खाएँ, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएँ, बाहर के खाने कभी कभार खाएँ, राइट। तो हम रोटियाँ, सब्जी, दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी को खा सकते हैं ऑयली फूड। जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ तो चाट मसाले या यू नो डेजर्ट्स वगैरह जो भी हैं, जो आप जानते हो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए या फिर उसे आपको खाना बहुत ही कम करना है। अगर आप ये सब फॉलो करोगे और वर्कआउट प्रॉपर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यार आपके पास ये सिक्स ऐप्स होंगे और आप उन्हें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड को शो ऑफ कर सकोगे। तो आइए करते हैं कि सीखते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कम से कम टाइम में अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान करके और वर्कआउट ऐसे क्या करें जिससे कि हम अपने साइड हैंडल्स को, बेली फैट को कम कर सकें। तो आइए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको डंबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम डंबल्स ले लेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप डंबल्स ले लेंगे, ओके। आप डंबल ले लो और डंबल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको वन होल्ड, टू होल्ड, थ्री, ये 20 रैप्स के चार वर्कआउट, चार सेट लगाने हैं, राइट। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ, वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन राइट। तो ये सेट आपको 20-20 के चार रैप्स के लगाने हैं, राइट। इसके बाद आपको करना है कि आप एक मैट ले लो, योगा मैट, और फिर आपको एक डंबल लेना है आपके फ्रंट में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ प्लेस किया हुआ आप ले सकते हो, और आपको बैंड ऑफ द बैक लेना है, राइट। हैंड का सपोर्ट लेना आपको और बैंड ऑफ द बैक लेना है, और अपने लेग को डंबल के बाजू में साइड में आपको किक करना है, राइट। ये भी आपको 20-20 के चार रैप्स लगा लेना है, करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। हम साइड लेट करेंगे, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे दो सेट करके दिखाया, बट आपको चार सेट करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैं सेट थोड़े कम लगाऊंगा, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कम से कम टाइम में, इसकी कोशिश मैं पूरी करूँगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वर्कआउट में चलते हैं, इसमें आपको
ये वर्कआउट प्लैंक के जैसा ही है, जिस समय प्लैंक का जो पोज होता है, प्लैंक जिस तरह की से हम करते हैं, वो शेप में आपको आना है, उस पोजीशन में आपको आना है और अपने वेस्ट को, अपनी कमर को साइड टू साइड रोल करना है, राइट। तो मैं करके दिखाता हूँ। और ये भी, ये जो एक्सरसाइज है, ये भी आपको 20-20 के 4 सेट लगाना है, राइट। आपको स्ट्रेट प्लैंक के मोड में आना है, हैंड को आप हिप कर सकते हो, राइट। हिप अप, काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। जब आप इस वर्कआउट को करते हो तो आपका कोर स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ में आपका जो ये लव हैंडल है, जो साइड का फैट है, ये भी रिड्यूस होता है। तो प्लैंक के साथ अगर आप ये वर्कआउट भी रोज करते हो तो आपके कोर के लिए और आपकी साइड फैट को रिड्यूस करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। प्लैंक तो आप सभी को पता होगा, उसमें प्लैंक पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि प्लैंक भी एक काफ़ी इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है, राइट। तो फिर नेक्स्ट वर्कआउट भी आते हैं। इसमें आपको ये वर्कआउट में आपको एक डंबल लेना होगा, एक डंबल, और आपके लेग को थोड़ा बेंड करना है, सीखते जाता हूँ, ओके। आपको अपने लेग को बेंड करना है, डंबल को ऐसे पकड़ना है, ओके, अपने चेस्ट के फ्रंट में, एंड देन अपने लेग को आप चाहो तो लॉक कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी अपने आप को बैलेंस कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो लॉक करके। और हमें करना क्या है कि हमें अपने कमर को स्टिफ रखते हुए अपने बॉडी के अपर पार्ट को ट्विस्ट देना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और इस वर्कआउट को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करें कि ग्रेजुअली वेट को थोड़ा इंक्रीज़ करें, आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है, आपकी बॉडी और बैलेंस नहीं होनी है क्योंकि अपर पार्ट को हमें ट्विस्ट करना है, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा हैवी वेट लेते हैं, ये है 7.5 kg का वेट, तो अब हम इसके साथ करेंगे वर्कआउट। एक्सरसाइज भी आपको 20-20 के 4 सेट लगानी है, राइट। तो काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। और लास्ट में अब हम करने वाले हैं प्लैंक। आपको मिनिमम 1 मिनट का प्लैंक तो ट्राई करने की है, बट अगर काफ़ी बिगनर हो तो एटलीस्ट 20-30 सेकंड तक तो आप जरूर स्टार्ट कोशिश करें कि आप अपने को पुश कर पाए। प्लैंक में हमें करना क्या होता है, प्लैंक के जो बारीक डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं सेपरेट वीडियो में, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके माइनर डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन और टेक्निक जो है वो शेयर करूँगा। बट आज मैं थोड़ा जल्दी आपको ये गाइड करता हूँ कि कैसे आपको ये वर्कआउट करनी है। तो इस वर्कआउट में करना क्या होता है कि आपको अपने जो बेली पार्ट है उसमें स्विच करना है, टाइट रखना है, अपने हिप पार्ट को टाइट रखना है और अपनी बॉडी को स्टिफ रखना है, राइट। तो यानी आपको अपने हिप पार्ट और बेली पार्ट को स्क्वीज करना है, ट्राई टाइट रखना है। और क्या नहीं करना है, आपको प्लैंक करते समय जो अगर प्लैंक पोज में है तो आपको ऐसा नहीं होना है, राइट, यानी आपका हिप नीचे नहीं जाना है और आपके हिप को
काफ़ी ऊपर भी नहीं होती है और आपको साइड साइड मूवमेंट भी नहीं होना है, तो आप कोशिश करो कि यानी जब आप प्लैंक कर रहे हो तो आपकी हिप का जो पोजीशन है वो डाउन भी नहीं होना है, नीचे नहीं रहना है और ना ही काफ़ी ऊपर रहना है, ये बीच में आपको प्लैंक बनाना है स्ट्रेट, यू नो लाइक प्लैंक कैसा होता है स्ट्रेट होता है, तो आपको प्लैंक बनाना है थोड़ा इंक्लाइन होना है, राइट, थोड़ा इस पोजीशन में रहना है। तो मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि आप अपने जो बेली पार्ट है, जो मसल्स है आपके, इसको आपको टाइट रखना है, स्क्वीज करना है, राइट। तो आइए करते हैं, प्लैंक पोजीशन में आएंगे, बॉडी अभी मैं अपने हिप को और अपने एब्स के मसल्स को स्क्वीज करूंगा, टाइट रखूंगा, राइट। तो आपको ऐसे प्लैंक परफॉर्म करनी है, कोशिश करिए कि आप एक मिनट तक पहले अपने गोल को रीच करने की कोशिश करें, अगर आपका बिगिनर है तो 30 सेकंड 20 सेकंड एटलीस्ट तो करें ही मिनिमम, और ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है यार, तो इसे आप रोज भी ट्राई कर सकते हो, बेली फैट के लिए, साइड हैंडल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी यू नो मसल्स को टारगेट करके उसे बेली को रिड्यूस करती है, आई मीन फैट को रिड्यूस करती है। तो ये थे चार वर्कआउट जिसे आप अगर वीकली वंस या ट्वाइस प्लान करो तो ये आपके कोर को, आपके जो फैट है, बेली फैट है, साइड फैट को उसको कम करती है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या फिर कोई और वर्कआउट का कुछ क्वायरीज है तो आप उसे पूछ सकते हो। ये जो हमारा बेली फैट है, साइड फैट है, इसको कम करने का जो मैंने आज ये वर्कआउट बताया, प्लान बताया, ये एक कह सकते हो आप फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें वेरिएशन भी है, हमें इसे कैसे करना है प्रॉपर वे में और क्या क्या वेरिएशन ऐड करने, वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वर्कआउट करो, या कोई भी टाइम निकालो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो या इवनिंग टाइम में कर रहे हो, आपको बस थोड़ा पेट खाली रहना है, आपको जब भी कभी टाइम मिल रहा है 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को पुश करो और वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालो, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आप अपनी लाइफ को फुल वे में यू नो जी सकते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांगली एंजॉय नहीं कर सकते। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर सोचो आपको काफ़ी इच्छा है कि आप ऐसी जगह पर जाएं, जंगल में ट्रैकिंग करें या फिर किसी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करें, आप किसी एडवेंचरस प्लेस पर जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फिट रहना, अगर आप फिट नहीं हो तो उस जगह पर जा नहीं सकते, हर जगह पर आपको व्हीकल्स तो नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होगा, ऐसी काफ़ी जगह हैं, ऐसे खूबसूरत ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं, या ऐसा बहुत सा चीज़ें हैं जो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, बट अगर आपको वो करनी है तो उसके लिए आपको फिट रहना ज़रूरी है, राइट। और हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ और हम सभी हिंदुस्तानी को, अपने फ्रेंड को फिट और हेल्दी बना सकें। तो ये मेरा गोल है, जय हिंद गाइस, ऑल द बेस्ट, चेक द फिटनेस।